अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होने के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को हाल के हफ्तों में ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या की कोशिश की साजिश के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। CNN की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी खुफिया जानकारी के चलते सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के आसपास सुरक्षा कड़ी करने को लेकर कदम उठाए। CNN ने ये बात मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताई है। हालांकि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि फिलहाल इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि ट्रंप को मारने की कोशिश करने का आरोपी थॉमस मैथ्यू क्रुक्स इस साजिश से जुड़ा था। दरअसल हाल ही में एक रैली के दौरान ट्रंप पर एक हमला हुआ था। इस हमले में गोली ट्रंप के कान से लगते हुए निकल गई थी। इस घटना में हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर हुई, जिसे सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही मार दिया था। उधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने इस बात से इनकार किया है कि ट्रंप की हत्या की कोई ईरानी साजिश तैयार की गई। हालांकि इस बीच बड़ा सवाल ये है कि अगर वाकई ट्रंप पर खतरे की खुफिया जानकारी मिली थी तो भी उन पर रैली में हमला कैसे हो गया। इसी सवाल के साथ सीक्रेट सर्विस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। CNN के मुताबिक एक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सीक्रेट सर्विस और ट्रंप के अभियान को हमले वाली रैली से पहले खतरे के बारे में बताया गया था। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से ये भी बताया गया है कि सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के अभियान को आउटडोर रैलियां आयोजित करने के खिलाफ बार बार चेतावनी दी थी, क्योंकि इनमें ज्यादा रिस्क था। ट्रंप अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। खुद पर हालिया हमले के बाद ट्रंप ने माना कि चीजें थोड़ी सी अलग होती तो उनकी मौत हो सकती थी। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने न केवल अपना सिर घुमाया बल्कि सही समय पर और सही मात्रा में घुमाया। इसके अलावा उन्होंने कहा, भाग्य से या ईश्वर की कृपा से, कई लोग कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से मैं अभी भी यहाँ मौजूद हूँ।